दोबारा होगी। आज पूरा दिन इंतजार करने के बाद कि भर्ती बोर्ड कुछ कहेगी, पेपर रद्द करेगी, दोबारा पेपर कब कराएगी, इसके बारे में अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। छात्र आक्रोश हो गए और आक्रोशित होने के पश्चात वो जो है सड़कों पे उतर आए। फाइनली आप देख रहे हैं कि लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा रद्द कराई जाए या फिर सभी पालियों की जाँच करके जिन पालियों में पेपर लीक हुआ है उन सभी पालियों की परीक्षाओं को लीक कर दिया जाए। लगातार इस समय जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इसमें छात्र जो है सड़कों पर आ चुके हैं और आप सभी से कहेंगे मेरे मित्र कि कृपया शांतिप्रिय ढंग से अपना प्रदर्शन करें, क्योंकि अगर आप शांतिप्रिय ढंग से करेंगे, संविधान के नीचे में रहकर करेंगे, तो हम लोग की जीत जरूर होगी मेरे मित्र। और यहां पर लगातार छात्र देखिए जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी छात्रों की यही मांग है कि परीक्षा को रद्द की जाए और फिर से एक महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराई जाए। इतने ट्विटर ट्रेंड के बाद भी भर्ती बोर्ड कह रही है कि परीक्षा जो है लीक ही नहीं हुई है, संपन्न परीक्षा हुई, बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। बल्कि यहां तक कि आईएएस अधिकारी लेकर बड़े बड़े नेता, चाहे वो आपके अखिलेश यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों, सभी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और सभी अध्यापकगण जो यूपीपी की तैयारी कराते हैं उनमें से गिने चुने को छोड़कर लगभग सभी जो है इस पेपर लीक को जो है जाँच कराने की मांग कर रहे हैं। बट अभी तक भर्ती बोर्ड ने कुछ भी न तो आश्वासन दिया, कुछ भी नहीं किया है, ना ही कोई टीम गठित की है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है या नहीं करती, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट सरकार परीक्षा रद्द करे और आप लोग जो धरना प्रदर्शन में नहीं पहुंच पा रहे हैं ट्विटर के माध्यम से ट्रेंड कराते रहें, और जो पहुंच पा रहे हैं वो शांतिप्रिय ढंग से संविधान के दायरे में रहकर प्रदर्शन करें। मेरे मित्र, हम सभी लोग यहाँ पर हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, सब्सक्राइब जरूर करें।